हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहाँ आज अपन चर्चा करेंगे। अपना चैप्टर चल रहा था लेसन 11 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, जिसमें पार्ट फर्स्ट अपन ने देख लिया था, और उसमें अपन ने जो ग्रास ऊपर टिड्डा होता है उसकी संरचना और जीवन चक्र के बारे में पढ़ लिया था, उसकी संरचना और मुखांग के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में अपन ग्रास ऊपर का जो लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र है और इसका कृषि में क्या महत्व है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, अपन कल से आगे चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास ऊपर, हेडिंग आई रहेगी जीवन चक्र। तो यह जो कीट होता है अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने हेतु तीन अवस्था कौन सी, अंडा, शिशु और प्रौढ़ अवस्था, तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, अर्थात लार्वा, लट अवस्था, प्यूपा, कृमिकोष के अभाव में यह अपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण पूर्ण या अपूर्ण दो प्रकार का होता है। पूर्ण तो वह होता है जिसमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, और अपूर्ण उसे कहते हैं जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। तो इसमें लार्वा अवस्था का अभाव होता है, इसलिए अपूर्ण कायांतरण या रूपांतरण के नाम से इसे जानते हैं। अब इसकी जो तीन अवस्थाएं थी, अंडा, शिशु और प्रौढ़। तो पहली अवस्था देखिए, अंडा, एग, सितंबर के अंतिम पखवाड़े एवं अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में नर व मादा टिड्डे मैथुन अवस्था में कई घंटों तक रहते हैं। सितंबर के अंतिम पखवाड़े एवं अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में नर व मादा टिड्डे मैथुन अवस्था में कई घंटों तक बने रहते हैं। उसके पश्चात नर टिड्डा कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, मर जाता है, और मादा क्या देती है, अंडे देना शुरू कर देती है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें मैथुन क्रिया कब होती है, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह, पखवाड़े का मतलब सप्ताह, अंतिम सप्ताह, या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अपन कहते हैं नर व मादा टिड्डे में मैथुन अवस्था होती है जो कई घंटों तक चलती है। उस मैथुन क्रिया के पश्चात जो नर टिड्डा होता है वह क्या हो जाता है, मरे जाता है, और मादा अंडे देना शुरू करती है, जिसका अंडकोश उदर के भीतर, उदर का जो अंतिम खंड के जनन अंग में लगा हुआ रहता है। अंडकोश जो होता है वह उदर के अंतिम खंड में अपन मानेंगे कि जनन अंग में लगा रहता है, जिसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। इसमें लगभग अपन मानते हैं कितने अंडे होते हैं, 40 अंडे होते हैं, जहां मुलायम एवं नम मिट्टी मिल जाती है। जहां उस मादा टिड्डे को मुलायम व नम मिट्टी मिल जाती है, वहीं यह उदर के अंतिम सिरे अंडरोपक को जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे गहरा गड्ढा बन जाता है। तो जहाँ पर इसको मुलायम और नम मिट्टी मिल जाती है ना, वहाँ पर ये क्या करती है, उदर के जो अंतिम सिरे अंडपोरक होते हैं, अंडरोपक को जमीन में डाल लेती है, तथा टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे जमीन में क्या हो जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है। उसी गड्ढे में यह अंडकोष्ठ को रखने के पश्चात गड्ढे के ऊपरी सिरे पर अपने जनन छिद्र से, उसी खड्डे में अपन या गड्ढे में अपन रखेंगे कि अंडकोष्ठ को रखने के पश्चात गड्ढे के जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी सिरे पर अपने जनन छिद्र से एक झागदार द्रव निकालती है, झागदार द्रव निकालती है, जिसके सूखने पर यह सीमेंट की तरह जम जाता है, जो सूखकर एक सीमेंट की परत सी बना लेता है। इस प्रकार अंडकोष्ठ सर्दी व गर्मी ऋतु तक लगभग 9 माह तक मृदा में ही रहता है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया जीवन चक्र में, ये अपन मानते हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इनमें मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया के पश्चात अपन कहते हैं कि इनमें नर तो नष्ट हो जाता है, मर जाता है, और मादा अंडे देती है। तो मादा जो अंडे देती है, तो अपन मानते हैं इसके जो जनन अंग में लगा हुआ जो अंडकोष्ठ होता है उसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। तो मादा को जहाँ भी मुलायम नम मिट्टी दिखाई देती है, वहाँ पर यह क्या होती है कि गोल गोल घूमकर एक खड्डा कर लेती है, और उस खड्डे के अंदर अंडों को त्याग दिया जाता है। फिर अपने जनन छिद्र के माध्यम से यह क्या कर लेती है कि एक झागदार द्रव निकालती है, और उस द्रव की विशेषता होती है कि वह सूखकर एक सीमेंट की पपड़ी समान संरचना बना लेता है, जिससे इन अंडों की सुरक्षा होती है। और लगभग 9 माह तक अंडकोष्ठ जो होते हैं वह सर्दी और गर्मी ऋतु में उसी मृदा के अंदर रहते हैं।
फिर ये देखिए इसका जीवन चक्र जो दे रखा है मुख्य रूप से अपनी बुक में दिखाया गया है, टिड्डे का जो जीवन चक्र है, ये है टिड्डे का जीवन चक्र, जिसमें यह जो अवस्था अपने को दिखाई दे रही है, ये अवस्था कौन सी, इसकी मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो ये जो अवस्था ये होता है इसका अंडा, फिर अंडों के सेने का काल, ये प्रथम निर्मोचन काल हो जाता है, यह शिशु अवस्था अपन इसे कहते हैं, यह भी शिशु अवस्था चलती है, यह द्वितीय निर्मोचन, तृतीय निर्मोचन, ये चौथा निर्मोचन, फिर यह अपन कहते हैं पांचवें निर्मोचन में अपने को यह वयस्क के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन चक्र डायग्राम में इसका प्रदर्शित किया गया है। फिर आगे अपन देखेंगे इसकी जो शिशु अवस्था आती है उसकी विशेषता देखिए। वर्षा ऋतु के दौरान नमी के संपर्क में आते ही अंडकोष्ठ के अंडे फूटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लगते हैं, यानी जो अंडकोष्ठ मृदा में थे तो वर्षा ऋतु जैसे ही आ जाती है तो ये अंडकोष्ठ मिट्टी के, वर्षा ऋतु या नमी के संपर्क में आते हैं और अंडकोष्ठ के अंडे फूटने से इनमें से पंख रहित यानी बिना पंखों वाले शिशु मृदा से बाहर निकलने लगते हैं और भोजन की तलाश में फुदकने लगते हैं इधर उधर। भोजन की उपलब्धता पर जब शरीर का आयतन बढ़ने लगता है ना तो यह अपने शरीर से काइटिन का बना त्वचा रूपी बाह्य ढांचा त्याग देते हैं। यानी कहने की बात क्या है कि धीरे धीरे जब अपन कहते हैं भोजन की उपलब्धता पर शरीर का आयतन बढ़ने लगता है, यानी ये बड़े होने लगते हैं, तो अपने शरीर से काइटिन का बना त्वचा रूपी बाह्य ढांचा त्याग कर नए ढांचे को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं, यानी कि एक त्वचा का त्याग करके दूसरी त्वचा प्राप्त कर लेते हैं, उसे निर्मोचन कहते हैं। शिशु से वयस्क बनने तक ये अपनी त्वचा का 5 या 6 बार निर्मोचन करते हैं। द्वितीय निर्मोचन के पश्चात इनके पंखों का क्या होता है, विकास होने लगता है। इस प्रकार शिशु से वयस्क बनने में जो नर होता है वह 70 व मादा 80 दिन का समय ले लेती है। तो यह दे रखा है शिशु अवस्था के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से क्या दे रखा है कि जो शिशु होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, 5 से 6 बार निर्मोचन की क्रिया होती है, उसके पश्चात अपन मानते हैं कि वह वयस्क बनते हैं, और वयस्क में अपन कहते हैं जो नर होता है उसको 70 दिन का समय और मादा को 80 दिन का समय लगता है। फिर जो थर्ड अवस्था होती है वह प्रौढ़ या एडल्ट अवस्था है, जिसे वयस्क अवस्था भी कहते हैं। तो मैथुन के पश्चात नर व अंडे देने के पश्चात मादा भी क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नर जो होता है वह तो मैथुन क्रिया करते, यानी कि मादा से मैथुन क्रिया करते ही मर जाता है, और जो अपन मानते हैं कि जो मादा होती है वह अंडे देने के पश्चात मर जाती है। इस प्रकार वर्ष में केवल एक पीढ़ी पाई जाती है, अगली पीढ़ी को जन्म देते ही पहली वाली पीढ़ी नष्ट हो जाती है। तो ये रहा इनका जीवन चक्र। अब इनका जो एग्रीकल्चर में क्या अपन मान सकते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि महत्व क्या होता है, यूजेज क्या है, उनके बारे में बातें करते हैं। तो एडिंग रहेगी कृषि में महत्व। तो देखिए कृषि में महत्व, टिड्डा वैसे तो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। टिड्डा जो होता है वह किसान की फसलों को नुकसान क्या करता है, किसान की फसलों को टिड्डा जो होता है वह क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, परंतु मानवीय भोजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसको नियंत्रित करना भी आवश्यक है। मानवीय जो भोजन है को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। फिर भी प्रकृति में यह कीट नहीं होता तो पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग तरह का होता, यानी पारिस्थितिक संतुलन में भी इसका योगदान माना जाता है। यह क्या करता है, यह कीट यह अत्यधिक भोजन करने के कारण मल त्याग भी अत्यधिक करता है, यानी कि इसे अपन भूखा जीव कहते हैं, कभी इसकी भूख शांत नहीं होती है, दिन भर खाता रहता है, तो ज्यादा भोजन करने के कारण मल भी ज्यादा त्यागता है, एवं इसके मल को सूक्ष्म जीव गोबर की खाद की तुलना में ज्यादा कुशलता से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और इसका जो मल होता है ना उसको सूक्ष्म जीव गोबर की खाद की तुलना में ज्यादा कुशलता से मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, एवं इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की जो नाइट्रोजन होती है उसको भी सूक्ष्म जीव आसानी से मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे पौधों का अच्छा विकास होता है। देखो क्या माना गया है कि यह फसलों को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ साथ अपन मानते हैं कि यह कुछ लाभकारी भी होता है। जैसे यह भोजन ज्यादा करता है तो मल ज्यादा त्याग करता है, इसका मल का सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, विखंडित करके छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बिखेर देते हैं, और इसमें अपन मानते हैं कि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है।
इसकी स्वयं की जब मृत्यु हो जाती है टिड्डे की, तो इसके शरीर को भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित कर दिया जाता है। शरीर की जो नाइट्रोजन होती है वह मृदा में मिल जाती है और मृदा की उर्वरता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो यह भी इसका उपयोग है। फिर जो पारिस्थितिक तंत्र में यह परभक्षियों के लिए भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है, ये जो परभक्षी होते हैं उनके लिए भोजन के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। मकड़ी, पक्षी, छिपकली के द्वारा इसे भोजन के रूप में भी खाया जाता है, यानी कई जीवों का यह क्या है, भोजन भी है, इसलिए यह पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखता है, जिससे वे स्वस्थ रहकर पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। यह प्रकृति की समस्त हरियाली का 10% सेवन करता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि भी नहीं हो पाती है। यानी टोटल अपन मान सकते हैं जो नेचुरल है, नेचर है, उसकी समस्त जो हरियाली है उसका 10% सेवन इन्हीं के द्वारा होता है, जिससे पौधों की अवांछित वृद्धि को भी यह रोकते हैं। कुछ देशों में टिड्डे एवं टिड्डी को भोजन के रूप में भी खाया जाता है। दक्षिणी मेक्सिको में चापुलाइन नाम से इसके अनेक व्यंजन भी बनते हैं, जिसके अंतर्गत टोर्टिलस प्रमुख व्यंजन होता है, जिसे मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है। यानी खाने के शौकीन लोग इन्हें खाने में भी काम में लेते हैं, मिर्ची के सॉस के साथ। डेंगुमेन नाइट मार्केट नामक कुछ चीनी खाद्य बाजारों में इस भोजन के रूप में वितरित भी किया जाता है। तले हुए टिड्डे को जावा व इंडोनेशिया में खाया भी जाता है। ओहलोन नामक अमेरिका का मूल निवासी रात्रि को एक खड्डे में घास जलाकर इनको भोजन के लिए एकत्रित भी करता है या करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के पास जल्दी से आ जाते हैं। तो ये तो आपका लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपन चर्चा करेंगे इसके 4-5 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उनके बारे में, क्योंकि अपन ने चैप्टर पढ़ा है तो अपने को आने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन सिर पर, सिर व वक्ष पर, उदर पर या उदर व वक्ष पर। तो ये कहाँ पर होते हैं, उदर व वक्ष भाग पर होते हैं, डी ऑप्शन सही है। सेकेंड, टिड्डे का शरीर कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 1 भाग में। तो टिड्डे का जो शरीर होता है वह 3 भागों में डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डा गंध का पता लगाता है श्रृंगिका से, नाक से, टांग से या त्वचा से। तो टिड्डा जो गंध का पता लगाता है वह श्रृंगिका या एंटीना से लगाता है। टिड्डे को भोजन के रूप में कौन ग्रहण नहीं करता है, पक्षी, छिपकली, मानव या पादप। तो इनमें से कौन ग्रहण नहीं करते हैं, पक्षी भी करते हैं, छिपकली भी करते हैं, मानव भी खाते हैं, पादप नहीं करते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन, टिड्डा नुकसान नहीं पहुंचाता है, अनाज फसल, दाल फसल, पशुओं को या चारे की फसलों को। तो अपन देखते हैं, टिड्डा अनाज की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, दाल की फसलों को भी पहुंचाता है और चारे की फसलों को भी पहुंचाता है, पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए अपना द ऑप्शन है सही होगा। तो ये अपना पार्ट कंप्लीट और इसके 2-4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट है हो चुके हैं। अब आप इसके अच्छे प्रकार से नोट्स बनाकर इसे यादें कर लीजिए और नोट्स मेरे पास ग्रुप में जरूर सेंड करना अपने नाम के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।